हेलो एवरीवन, आज की रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट रीडिंग है। आज की रीडिंग है 2023। आप कैसे लकी बना सकते हैं, आप क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ 2023 में हमने कुछ ऐसा किया है जो हमें करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि हमारे साथ ये नहीं हुआ, हमारे साथ वो नहीं हुआ, हमने मेहनत की, हमने काम किया, हमने बहुत कुछ किया पर कुछ भी नहीं हुआ। तो 2023 के लिए बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सी बातें चल रही होंगी कि ये काम करना है, इसको पूरा करना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ये हमारी डिमांड है, ये हमारी विश है, ये हमारी मैनिफेस्टेशन है। तो बहुत कुछ हम सबके मन में चलता है कि इस बार 2023 में हम वो सब कर डालेंगे जो रह गया है ना। ऐसी बातें माइंड में बहुत आती हैं और क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या करना है, तो ऐसी ऐसी बातें दिमाग में बहुत ज्यादा आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी लक को इन्हांस कर सकती हैं, आप अपने आप को लकी बना सकते हो। कौन सी ऐसी बातें करके जिससे आपको आगे जाने में मदद मिले, आउटकम अच्छा आए, आपको एफर्ट कम करना पड़े और आपकी मेहनत का फल आपको मिल जाए, तो क्या ऐसे कदम आप उठा सकते हो जो आपको लकी बना सकते हैं। यहाँ पर हैं दो ब्रेसलेट, ओम मणि पद्महम और रुद्राक्ष ब्रेसलेट। तो दोनों में से आपको जो अच्छा लगता है, इंट्यूटिवली कनेक्ट होता है आपसे, आप उसे चूज कर सकते हो। ये ब्रेसलेट बुद्धा ब्रेसलेट है, ओम मणि पद्महम इस पर सिंबल्स बने हुए हैं, तो ये बहुत ही प्योर है। और रुद्राक्ष तो अपने आप में प्योर है ही, हम सब लोग जानते हैं, तो इसलिए मैंने ये दोनों ब्रेसलेट लिए हैं। अगर आप लेना चाहते हैं तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप परचेज भी कर सकते हैं अपने लिए और आप इस तरह से अपने लक को और भी इन्हांस कर सकते हैं। तो यहां पर आज मैं ले रही हूं दो ब्रेसलेट, दोनों में से आपको चूज करना है इंट्यूटिवली। आंखें बंद कीजिए, आंखें खोलिए, थोड़ा सा समय लीजिए और इन दोनों में से एक ब्रेसलेट को चूज कीजिए, उसके बाद मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने चूज कर लिया होगा, तो चलिए जानते हैं पायल नंबर वन की बात करते हैं। पायल नंबर वन, जिन्होंने भी इस ब्रेसलेट को चूज किया है, देखते हैं आपके लिए कि 2023 में आपको ऐसा क्या करना है जो आपको लकी बना सकता है, किस तरफ आपको अपने कदम उठाने हैं, क्या ऐसा करना चाहिए आपको जिससे आपकी लक में बहुत सारा जो फैक्टर है वो इन्हांस हो जाए और आपकी लक आपको वो सब दे जो आप चाहते हैं लेना। एस ऑफ वॉन्ट, ओके, पेज ऑफ कप, हायरोफेंट, फोर ऑफ वॉन्ट्स, नाइट ऑफ कप्स। तो यहां पर मैसेजेस बहुत प्यारे आए हैं। आपको अगर अपने लक को बढ़ाना है तो सबसे पहले तो इमोशनली अपने आप को स्टेबल करना पड़ेगा। इमोशंस बहुत ज्यादा आपके हावी होते हैं खुद के ऊपर, और ये कोई बुरी बात नहीं है, इमोशंस का हावी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, पर इनको बैलेंस करके आपको चलना पड़ेगा। दूसरी बात मैं यहां पर देख रही हूं कि आपको बहुत सारी लर्निंग की जरूरत है, सीखने की जरूरत है। वो आपके इमोशनल साइड पर भी हो सकता है, आपके करियर साइड पर भी हो सकता है। आपको जो भी स्किल्स इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो आपके क्रिएटिव स्किल्स भी हो सकते हैं, उसके लिए आपको लर्निंग की जरूरत बहुत ज्यादा रहेगी, जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे, आगे बढ़ने में वो आपकी मदद करेगा और इससे आप अपने लक को इन्हांस कर सकते हो, ये आपकी मदद कर सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड दिखाता है कि जिस चीज के बारे में सोच रहे हो, जिस चीज के बारे में चाहते हो जाए, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाहते हो, किसी काम को करना चाहते हो, मन में बहुत सारे विचार हैं जिनको आप करना चाहते हो, तो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है, इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। अगर आप इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तभी काम पूरे हो पाएंगे, सपने देखने से नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो तो सोचने से भी नहीं होगा, करने से होगा। तो सबसे पहले तो करने के लिए अपना एक रूटीन बनाइए, उसको करने के लिए आप अपना एक डिसिप्लिन क्रिएट कीजिए, उसके बाद आप क्या करें उसको सीखें, स्किल्स को सीखें, स्किल को सीखने के बाद उसे इम्प्लीमेंट करें। तो इम्प्लीमेंट जब कर लोगे ना, तो धीरे 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 आप एक परिपक्व इंसान बन जाओगे, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन बन जाओगे और आप उन चीजों को कर पाओगे जिनको आप करना चाहते हो और वो हो नहीं रही है, बड़ी देर से आप कोशिश कर रहे हो। तो ये 2023 का जो ईयर है वो आपके लिए अच्छा है, बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पर।
बस आपको करने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, सपने देखते हैं, पर सपनों को पूरा करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन की कमी होती है उनमें। वो सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं सोचते रहते हैं, और जब वो करने की कोशिश करते हैं तब समय निकल जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना। अगर आप करना चाहते हो तो उससे पहले करो, करने की कोशिश करो। अगर आप करोगे नहीं तो होगा कैसे? अगर आप करोगे नहीं सोचने से तो कुछ भी नहीं होगा ना। तो जो लोग सोचते रहते हैं, बहुत ज्यादा प्लानिंग करते हैं, आप बहुत ज्यादा सपने देखते हैं, ड्रीम लवर हैं बहुत ज्यादा, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है, तो आपको करने की कोशिश करना है, तभी आपको फायदा मिलेगा। और उन चीजों को करने की कोशिश कीजिए जिनको आपने सीखा है। बिना सीखी हुई चीजों को करने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वहां पर आपको नुकसान और फेलियर देखना पड़ सकता है। आपकी लक तभी आगे बढ़ेगी जब आप वो चीजें करेंगे जो आपने सीखी हुई है, आपके पास स्किल्स हैं, आपके पास सब कुछ है, तो वहां पर अगर जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा। दूसरा, अगर आप अपने रिचुअल्स को फॉलो करेंगे, घर परिवार के लोगों की बात को सुनेंगे और उन्हीं रिचुअल्स के पीछे पीछे भागेंगे तो आपको फायदा होगा। ये भी आपके लक को बढ़ाने का एक फैक्टर हो सकता है। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं या बड़े कहते हैं या आपके घर परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसा कर लो, ऐसा नहीं ऐसा कर लो, तो उनको सुनने से आपको फायदा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि पेरेंट्स कह रहे हैं कोई बात नहीं, इनकी तो अलग ही सोच है, ये अलग तरीके से बात करते हैं, इनकी बात सुनकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो वहां पर शायद वो गलती कर रहे हैं। हो सकता है कि आपके पेरेंट्स आपको वो रास्ता दिखा रहे हो, वो एक्सपीरियंस दे रहे हो जो उन्होंने गेन किया है। अगर उनको बहुत सारा एक्सपीरियंस है तभी वो आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपको हो सकता है बहुत सारा फायदा हो जाए। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर क्रिएटिव फील्ड को चुनना भी एक लक फैक्टर को इन्हांस करने का तरीका हो सकता है। अगर आप अपने क्रिएटिव फील्ड को चूज करते हैं, जो आपका क्रिएटिव फील्ड है, पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है इम्प्लीमेंट करना। आप क्रिएटिव फील्ड को पकड़ लीजिए, अपने दिल की आवाज को सुनिए, उसमें जो जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं उसकी एक डायरी मेंटेन कर लीजिए। उसके बाद आप वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना शुरू कीजिए, इम्प्लीमेंटेशन शुरू कीजिए। कोई भी काम आप करना चाहते हैं उसको करना शुरू कीजिए। धीरे 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 आपका लक उसी काम में इन्हांस होता जाएगा और आपको उसी का आउटपुट बहुत अच्छा मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं वो काफी अच्छा कर सकते हैं, कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, कोई इवेंट मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, पेंटिंग कर सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, कुछ ऐसा जहां पर आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा दिखाई देती हो, कुछ ऐसा कर सकते हैं। आप किसी क्रिएटिव फील्ड में एजुकेशन भी ले सकते हैं। तो ये 2023 का साल स्किल्स को सीखने का साल है, एजुकेशन लेने का साल है। हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो किसी क्रिएटिव फील्ड में जा सकते हो, फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो, आर्किटेक्चर कर सकते हो, जो भी आप करना चाहें, जो आपका निश है, जो आप करना चाहते हो, जो आपके दिल में है, वो बिल्कुल कर सकते हो। पर ये इम्प्लीमेंटेशन का है, सपने देखने का नहीं है। आपको सपने नहीं देखने, इम्प्लीमेंट करना है सपनों को। अगर इम्प्लीमेंट करोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा और आपको कहीं ना कहीं इसका ग्रोथ जो है वो देखने को जरूर मिलेगा। तो जितना हो सके इन चीजों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करना, आपको जरूर 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 अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जरूर आप अपने लक को इन्हांस कर पाओगे, अपने लक फैक्टर को बढ़ा पाओगे और वो कर पाओगे जो आप करना चाहते हो। बहुत सारे लोग काफी पैशनेट रहेंगे, काफी इंथ्यूजियास्टिक रहेंगे काम को करने के लिए, पर सपनों में, यहां पर मुझे ये दिख रहा है, आप ऐसा लगेगा कि करना चाहते हैं, दिल में बहुत कुछ है, बहुत सारे डिमांड्स हैं, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारे ड्रीम्स हैं, पर सिर्फ सपनों में ही रह जाएंगे। इसलिए इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। मैं एक ही बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आप इस बात को मत भूलें कि इम्प्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है अगर आप इस लक फैक्टर को इंक्रीज करना चाहते हो। तो इसलिए जितना हो सके कोशिश करना, इम्प्रूव करने की कोशिश करना, आपको फायदा जरूर होगा, जरूर होगा। तो लर्निंग से घबराना मत, सीखने से घबराना मत। आप कितनी भी उम्र के हैं, कितनी भी आपकी एज है, आप ये मत समझना कि अब तो उम्र बीत गई है और आपको अब क्या हो सकता है, अब भी बहुत कुछ हो सकता है। तो लर्निंग लर्निंग एंड लर्निंग, ये है आपका मोटो 2023 के लिए। लक को बढ़ाना चाहते हो तो लर्निंग से घबराना नहीं है, इम्प्लीमेंटेशन करना है। किसी भी काम को सोचा हुआ है, एक प्लान बना लीजिए और उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिए। बैठना नहीं है ये सोच कर के प्लान बनाते रहते हैं और ऐसे ही सपनों में सोचते रहते हैं, तो वो नहीं करना।
स्किल सीखिए, उसके बाद प्लान कीजिए, उसके बाद इम्प्लीमेंट कीजिए। तो ये तीन स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, आपको वो जरूर अचीव होगा जो आप चाहते हो अचीव करना। तो ये 2023 का मोटो होगा आपके लिए और ये आपको करना है। आज के लिए इतना ही। अगर आपने लक को इन्हांस करना चाहते हो तो ये स्टेप्स आप फॉलो करें, जरूर आपका लक इन्हांस होगा और जरूर वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू। अब मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर सेकंड पायल की, जिन्होंने भी रुद्राक्ष ब्रेसलेट को चूज किया है। देखते हैं कि लक को बढ़ाने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। 2023 में ऐसा क्या है जो आपके लक को इन्हांस कर सकता है? कौन से स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं? क्या ऐसे स्टेप्स हैं जो आपको जरूर लेने चाहिए जो आपके लक फैक्टर को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं? तो ये एक बहुत डिफरेंट सी रीडिंग मैंने आपके लिए इसीलिए ली है ताकि आप लोगों को अपने किस्मत पर कभी रंज ना हो कि मेरी किस्मत ऐसी है, मेरी किस्मत वैसी है। तो आप इसको बढ़ाने के लिए कोशिश तो करके देख ही सकते हैं ना, कौन कौन से आपके फैक्टर्स हैं जहां पर आपका लक बढ़ सकता है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, और इसके साथ एक और एनर्जी निकलकर खुद से आ चुकी है जो है टेन ऑफ स्वॉर्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, टू ऑफ वॉन्स। तो ये है आपके कार्ड्स जो आपको बहुत सारे मैसेजेस दे रहे हैं। तो इनको मैं बताने की कोशिश करती हूँ, आप यहाँ पर कनेक्टेड रहिए। तो सबसे पहले तो आपका लक फैक्टर बढ़ेगा कैसे? कंफर्ट जोन से बाहर आइए। बहुत सारे लोगों में ऐसा लगता है जैसे कंफर्ट जोन से बाहर आने की कोशिश चलती रहती है पर नहीं आ पा रहे हो। एक जद्दोजहद है आपके अंदर, एक लड़ने की एनर्जी आपके अंदर, खुद के अंदर है। आप खुद से लड़ते रहते हो। थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा संकुचित कर लिया है आपने, आपका थॉट प्रोसेस को बांध दिया है आपने। किसी बात को सोच सोच कर बस बैठे हो और उसी को ही आपने अपना लक फैक्टर बना लिया है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपको तरक्की नहीं मिल पा रही, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। वो आप हो, वही आप ही रीजन हो जिसकी वजह से आपका लक फैक्टर कमजोर हो रहा है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। उन चीजों को देखिए जिनको एक्सप्लोर नहीं किया है आपने अभी तक। उन चीजों की तरफ जाने की कोशिश कीजिए, उन चीजों को समझने की कोशिश कीजिए जिनको आज तक आपने नहीं समझा है। तो अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे तो कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अगर ऐसे ही आलस लेकर बैठे रहोगे कि बस अपने आप हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, तो नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा और जितना निकलोगे, एक्सप्लोर करोगे, उतना ही आगे बढ़ सकोगे। दूसरा, यहां पर अपनी विल पावर को स्ट्रांग कीजिए, अपने अंदर की शक्तियों को जागृत कीजिए। जितना हो सके अपने आप को इस तरह से बनाइए कि आपको पता हो कि आप क्या हैं। असल में आप बैलेंस कर सकते हैं हर चीज को, आप एनर्जीज को बैलेंस कर सकते हैं। अपने अंदर, आपके अंदर पोटेंशियल है काम करने की। इस तरह से परिपक्व करना है आपको खुद को। आपके कर्मा का कार्ड निकल कर आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून बताता है कि कर्मा क्लेंजिंग की जरूरत हो सकती है अगर आप अपने लक को इन्हांस करना चाहते हो। तो कर्मा क्लेंजिंग कैसे होगी? आपके कार्मिक ऋण है कुछ जिन्हें आपको चुकता करना है। सबसे पहले तो आलस को छोड़ो, ये भी आपका एक कार्मिक साइकिल है जो आपको बांधे हुए है। इसको छोड़ेंगे तो आपको अपने आप ही रास्ता दिखेगा, कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा जो आपको आगे लेकर जाने में बहुत हेल्प करेगा। मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए, आप लोग सिर्फ सोना पसंद करते हो, लेटना पसंद करते हो, उठकर कोई काम करना पसंद नहीं करते। बहुत सारे लोगों के लिए सामने आपके व्हीकल खड़े होते हैं पर आप उसको चलाना पसंद नहीं करते। आपको लगता है कि कौन जाएगा, कैसे करेंगे, क्यों करना है। तो ये क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, ये सारे रीजंस बनाए हुए हैं आपने। तो इन रीजंस को छोड़ना पड़ेगा तभी आपकी कर्मा क्लेंसिंग भी होगी, थॉट प्रोसेस भी आपका ठीक होगा। जब आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, नई चीजों को खोजोगे, तो नई चीजों को खोजने के लिए आपको निकलना पड़ेगा बाहर और अपनी कर्मा क्लेंसिंग भी साथ साथ होती चली जाएगी। जब आप लोगों को समझेंगे, उनके थॉट प्रोसेस को देखेंगे, उनके बारे में सुनेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी जिंदगी के बारे में भी पता चलेगा कि क्या क्या ब्लॉकेजेस हैं, कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस हैं, क्यों है ये ब्लॉकेजेस, अपने आप को आपने क्यों बांधा हुआ है, आपका थॉट प्रोसेस क्या इतना ही है।
आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं इसके बाद करेंगे। तो ऐसी नेचर है आपकी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्लान कर लेते हैं कि हाँ हाँ नहीं नहीं कल को जरूर करेंगे, कल योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, पर कल कभी नहीं आता। तो यहाँ पर मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है। तो अगर आप अपने कर्मा क्लेंजिंग भी करना चाहते हो ना, तो आपको थॉट प्रोसेस को बदलना पड़ेगा। कल नहीं बल्कि आज करना पड़ेगा। आज कोशिश करेंगे तभी हो पाएगा। अगर आप सिर्फ कोशिश करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहेंगे तो पूरा साल 2023 भी बीत जाएगा, आपको कुछ भी हाथ में नहीं लगेगा। तो अगर आप चाहते हो जिंदगी में कुछ अचीव करना, कुछ बड़ा करना, कुछ पाना, तो सबसे पहले तो इन कम्फर्ट जोन से बाहर आओ, थॉट प्रोसेस को चेंज करने की कोशिश करो, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको क्लियर करो। आपके चक्रा बैलेंस नहीं है, वहां पर आपको बहुत ब्लॉकेज नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे चक्रों को बहुत ज्यादा क्लेंस करने की जरूरत है, बैलेंस करने की जरूरत है। तो मेडिटेशन बहुत जरूरी है, मेडिटेशन कीजिए। आपको लगता है कि सारी दुनिया ऐसी ही है, आपने दुनिया के लिए अपने थॉट प्रोसेस को बांधा हुआ है। आपको लगता है कोई भी सामने आएगा तो बिल्कुल वो गलत ही होगा, वो सही इंसान हो ही नहीं सकता। तो ये थॉट प्रोसेस आप दुनिया के लिए बनाकर बैठे हो। तो कैसे खुद को बाहर निकालोगे, कैसे खुलोगे दूसरों के साथ? दुनिया तो जैसी है वैसी ही रहने वाली है, आपको खुद को ही बदलना पड़ेगा। आपको खुद के विजन्स क्लियर करने पड़ेंगे, आपको खुद का आलस त्यागना पड़ेगा। दुनिया ने जैसा रहना है वैसा ही रहना है, आपके कहने से दुनिया बदल नहीं सकती। आपको अगर आगे बढ़ना है ना, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में, तो आपको पहले खुद को तैयार करना होगा, अपनी विल पावर को स्ट्रांग करना होगा, दूसरों के आगे सामने आना होगा, दूसरों से कम्युनिकेट करना होगा, थॉट प्रोसेस को बदलना होगा। और लगता है कि किसी से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे किसी के साथ, तो शीशे के आगे बोलना शुरू कर दीजिए। वहां पर जाकर अपने आपके जो खोल दीजिए, जो भी आपको हिचक है, जो भी आपको झिझक है, ऐसा लगता है कि नहीं कर पाएंगे, कम्युनिकेट ही नहीं कर पाएंगे किसी के साथ, किसी को अपनी बात ही नहीं समझा पाएंगे, तो ये कंफर्ट जोन जो आपने बांध रखा है ना, खुद के लिए दायरा बांध रखा है, इसको जरूर क्लेंस करना जरूरी है। इसको अगर आप निकालेंगे, खोलेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। यहां पर सबसे पहले तो आप अपने लक फैक्टर को अगर इनहांस करना चाहते हो, तो अपने कम्युनिकेशन पर काम करना शुरू करो, अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर करो, मेडिटेशन करो, योगा करो, अपने आप को निखारो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। तो ये बहुत सारी बातें करने की जरूरत है अगर आप चाहते हैं कि जिंदगी में कुछ अचीव करें, कुछ बड़ा करें, सपनों को पूरा करें, और आप चाहते हैं कि आपके कर्म जो फल दे रहे हैं, ऐसे में आप खुश नहीं हो, अपने आप में खुश नहीं हो, आप इन कर्मों को दूर करना चाहते हो खुद से, तो आपको खुद से कोशिश करनी होगी। मेंटल लेवल पर, फिजिकल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर बहुत सारा काम करने की जरूरत है। तो अगर लक को, लक फैक्टर को इन्हांस करना चाहते हो, तो पहले इन चीजों पर, बेसिक चीजों पर काम करना शुरू करो। देखो धीरे धीरे मेडिटेशन करके थोड़ा शुरू तो करो, स्टेप तो लो, एक स्टेप बढ़ाओगे दूसरा स्टेप अपने आप आगे आएगा। आपको पहला कदम उठाते हुए ही समय लग रहा है, और वो समय आप जब शुरुआत कर देंगे ना, तो अपने आप सेकेंड स्टेप आगे आएगा और अपने आप ही रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, सुन लेते हैं वीडियोस को, सुनकर भी कुछ नहीं करते, और फिर कहते हैं कि हमें असर नहीं होता, चीजें काम नहीं करती। तो चीजें काम करती हैं, अगर आप चाहते हो कुछ करना, चीजें तो काम कर रही हैं, एनर्जी तो अपना काम कर रही हैं, अपना खेल खेल रही हैं, पर आपको समझना है उसे और उसको पकड़ना है अपने लिए कि मैं कैसे करूं, मुझे कैसे मेडिटेशन करना है, कैसे योगा करना है, कैसे अपने आप को इन्हांस करना है, कैसे इम्प्रूव करना है, कैसे अपनी विल पावर स्ट्रांग करनी है, स्टेबिलिटी लाइफ में कैसे लेकर आनी है। तो आप में से बहुत सारे लोग ना सिर्फ इसके पीछे भाग रहे हो कि कैसे करें, आप में से बहुत सारे लोग मटेरियल्स के पीछे भी भाग रहे हो, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहिए तो सबको, पर उसके लिए कर क्या रहे हो, कर कुछ भी नहीं रहे हो। तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप अपने लक फैक्टर को इम्प्रूव करना चाहते हो। बहुत सारे लोग किस्मत को बहुत सारा कुछ बोलते हैं, हमारी किस्मत ऐसी है, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमारी किस्मत में ये लिखा नहीं है, हमारी किस्मत में ये नहीं है, वो नहीं है, पर उसके लिए आप कर क्या रहे हो, अपनी किस्मत को इम्प्रूव करने के लिए क्या स्टेप लिए हैं अभी तक? तो यहां पर मुझे नहीं लगता कि आपने स्टेप्स लिए हैं, बल्कि आपने अपने कर्मों को इकट्ठा किया हुआ है, एक बॉन्डेज बना हुआ है, एक ब्लॉकेज क्रिएट हुआ है, जो आपको कहता है कि बाहर निकलो इस ब्लॉकेज से।
सीखने का समय है, सीख लो, अगर नहीं आता तो सीख लो, अगर कम्युनिकेट करना नहीं आता तो वो भी सीख सकते हैं। लर्निंग तो कुछ भी ली जा सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जो आप सीख नहीं सकते। इम्प्रूवमेंट अगर चाहिए तो स्टेप तो लेना पड़ेगा, अगर आप सीख नहीं सकते हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। जो ज़िंदगी में लोग कहते हैं कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं सीख सकते, तो वो कुछ करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम यहाँ है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो सीख नहीं सकते, प्रॉब्लम ये है कि वो सीखना चाहते नहीं है। उनके दिल में, दिमाग में सिर्फ चलती रहती हैं बातें, और कोसना दुनिया को या कोसना किस्मत को ये उनकी हैबिट बन चुकी है, और वो करना कुछ नहीं चाहते। तो आप लोगों में से अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना कि आप भी क्या ऐसा ही करते हैं, स्टेप्स नहीं लेते हैं और सिर्फ कोसते हैं किस्मत को। तो लक को इन्हांस करने के लिए मैंने यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स बता दिए हैं। अगर आप भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो इन स्टेप्स को फॉलो कर लेना, आप अपने थॉट प्रोसेस पर काम करना, उसको बदलने की कोशिश करना, क्योंकि ब्लॉकेज बहुत ज्यादा है। अपने चक्रा क्लेंजिंग की तरफ जाना, मेडिटेशन करना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। YouTube पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहां पर मेडिटेशन सिखाया जाता है, कर्मा क्लेंजिंग सिखाई जाती है, चक्रा बैलेंसिंग सिखाई जाती है। तो वीडियो ऑन करो और शुरुआत करो। बहुत सारे लोग कहेंगे कैसे करना है, कैसे करें, क्या करें, तो शुरुआत तो करो। आपके पास तो फ्री में इतना कुछ है। पहले समय होता था जब फ्री में कुछ नहीं मिलता था, आजकल तो फ्री में सब नॉलेज मिलती है। आप कोशिश करेंगे तो तभी मिलेगा ना। कोशिश की कमी आपके अंदर है, किसी के अंदर नहीं है। आप किसी को ब्लेम करना बंद करो। अगर कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, कैसी भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो, मटेरियल गेन्स चाहते हो कि आप एक अच्छे कम्युनिकेटर बने, अच्छा आप लोगों को दिखाएं, लोगों को सुनाएं, लोग आपकी बात को सुने, तो ऐसा कुछ अगर चाहते हो तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। ऐसे ही लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, ऐसे ही लोग आपको कुछ समझेंगे नहीं, ऐसे ही आपको स्ट्रांग नहीं समझा जाएगा, ऐसे ही आपको ऐसा नहीं समझा जाएगा कि आप एक चैरियट की एनर्जी में है, बैलेंसिंग एनर्जी है, आपको सब कुछ मिल रहा है, तो ऐसे ही नहीं समझा जाएगा। आपको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो लक फैक्टर को इन्हांस करने के लिए ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। कर्मा क्लेंजिंग कीजिए। आपको कर्मा क्लेंजिंग के लिए और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं तो मैं आने वाली वीडियोस में और भी बताती रहूंगी। यहाँ पर सिर्फ ये स्टेप आप पहले फॉलो कीजिए, थॉट प्रोसेस पर काम कीजिए, उसको बदलने की कोशिश कीजिए, योगा मेडिटेशन की तरफ जाइए, अपने खाने पीने का ध्यान दीजिए, तो आप में बहुत सारी इंप्रूवमेंट अपने आप आ जाएंगी और लक फैक्टर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा। तो ये है कुछ एनर्जीज जो बता रही हैं कि आपका लक फैक्टर कहाँ ब्लॉक हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव। थैंक यू।